लास्ट इसमें ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है रिजल्ट, मैंने नोट लिख दिया, जब आप रिवाइज करेंगे कभी ना कभी ये नोट जरूर पढ़ेंगे। मान लो एक चार्ज पार्टिकल आ रहा था विद अ, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, और वो एंटर करता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्ड ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? परपेंडिकुलर, सीधा था। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो गया, चार्ज पार्टिकल आया, वो जाना सीधा चाहता था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स लगाई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि चार्ज पार्टिकल ऊपर जाए, आप चाहते हो चार्ज पार्टिकल सीधा जाए। अब एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नजर नहीं आ रही, एक्स में फील्ड ही नहीं है, ना ग्रेविटी है, कुछ भी नहीं, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज तब आती है जब कोई फोर्स लगती है। फोर्स तो सिर्फ वाई में लग रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसे वाई में खींच रहा है, एक्स में कोई फोर्स नहीं, तो पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ सीधा तो जाएगा जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींच लेगा। ये चैप्टर सुना सा लगता है, कैसी फीलिंग आ रही है? प्रोजेक्टाइल, कितने लोगों का प्रोजेक्टाइल चल रहा है? नहीं, रिलेट नहीं कर पाए। देखो मैं करवाता हूं। टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से किसी ने बॉल को फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ वी, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही थी, बॉल चाहती है वो सीधी जाए, सीधे में फोर्स तो है नहीं कोई, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती एक्स एक्सिस में, ग्रेविटी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां पर जीरो, ग्रेविटी के इफेक्ट से वो नीचे भी आएगा आगे भी जाएगा, पैराबोला कवर करेगा। तो सेम इसके साथ भी हुआ, चार्ज पार्टिकल को सीधा भेजा गया लेकिन ग्रेविटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ऊपर लेके जा रही है, पार्टिकल आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो प्रूव करो पैराबोला में जाएगा। ठीक है यहां तक? तो करना कैसे है देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मान लो टी टाइम में पार्टिकल यहां से यहां आ गया, कवरिंग टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स में, एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर हो गया और वाई में भी हो गया, तो कौन सी, और वाई एक्सिस को प्लीज इसको बोल्ड में या बॉक्स में डालो। तो सबसे पहले मैं क्या एक्सिस ले रहा हूं? वाई एक्सिस। सबसे पहले मैं क्या एक्सिस ले रहा हूं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में फोर्स क्या लग रही है बोलो? क्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में है? वाई। तो फोर्स भी किस एक्सिस में है? वाई। फोर्स कितनी लग रही है? क्यू ई। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कितनी है? क्यू ई बाय एम। ये एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बोलो कहां है? लेफ्ट राइट, ऊपर की नीचे? अच्छा, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कौन बताएगा? चार्ज कैसे बताएगा यार? मास। ई की डायरेक्शन कहां है? तो एक्सेलेरेशन भी कहां है? इतना मोटा बोल्ड तो करवाया यार, वाई एक्सिस, सारा कुछ तो वाई में चल रहा है यार, फिर टाइम लगाए जा रहे हो, वाई एक्सिस तो हर चीज वाई भी जाएगी और कहां जाएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन है, वाई एक्सिस में जब वो पार्टिकल एंटर किया था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, क्योंकि वो तो मूव एक्स में कर रहा था, वो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बाद में मूव किया वो, तो वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल में जैसे अप्लाई करते हैं एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वैसे वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस में क्या थी? क्यू बाय एम। इक्वेशन नंबर वन, क्लियर यहां तक? और एक्स एक्सिस के अंदर नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलेरेशन नहीं है या रिटार्डेशन भी नहीं है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। और जब काइनेमेटिक्स में कोई बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वी अप्लाई इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी। तो वाई एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई उसकी? एक्स। कितने टाइम में? टी सेम टाइम में। तो यहां से टाइम की वैल्यू आई, इस टाइम को उठा के यहां पुट किया एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में ये कॉन्स्टेंट है, सब मासेज वी सब कॉन्स्टेंट है, वाई प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। मैथ्स में अगर वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो पाथ फॉलो क्या है? पैरा।